हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो उर्दू। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से डिलीटेड कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोस, फोटोज, ऑडियोस और डॉक्यूमेंट्स आसानी के साथ कैसे रिकवर कर सकते हैं। चाहे आपका डाटा फ़ोन से डिलीट हुआ हो या आपने फैक्ट्री रीसेट कर दिया और डाटा डिलीट हो गया, आप आसानी के साथ अपने फ़ोन और मेमोरी कार्ड का डिलीट शुदा डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर फोन एंड्रॉयड डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर फोन सबसे पहला डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है और ये तकरीबन हर किस्म के फ़ोन पर वर्क करता है। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके पास इसी तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसा कि ट्रांसफ़र, रिपेयर, स्विच, बैकअप एंड रीस्टोर, अनलॉक और रूट वगैरह। मगर डाटा रिकवरी के लिए हम यहाँ रिकवर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने फ़ोन को पीसी के साथ डाटा केबल की मदद से कनेक्ट करें। इसके बाद आपके फ़ोन में यूएसबी डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। अगर वो ऑन नहीं तो आप इसको ऑन करने के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं। उसके बाद सबसे नीचे अबाउट डिवाइस पर क्लिक करें। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फो में आपको बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करना है। जब आप इस पर एक साथ 7 बार क्लिक करेंगे तो फ़ोन पर मैसेज शो होगा, डेवलपर मोड हैज़ बीन एनेबल्ड। इसके बाद बैक आ जाएं और अब अबाउट डिवाइस के ऊपर आपको डेवलपर ऑप्शन शो होगा। इसको ओपन करके यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर दें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो चीज़ें ये रिकवर कर सकता है, जैसा कि कॉन्टैक्ट्स, मैसेजिंग, कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप मैसेजेस एंड अटैचमेंट्स, गैलरी, ऑडियो, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो रह गई हो। तो तकरीबन ये सब कुछ ही रिकवर कर सकता है। इसमें जो कुछ आप रिकवर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। तो अभी सब कुछ ही सिलेक्ट है तो हम सब कुछ रिकवर करके देखते हैं। इसके अलावा अगर डाटा आपके मेमोरी कार्ड में था और वो रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिकवर फ्रॉम एसडी कार्ड पर क्लिक करें। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन वगैरह टूट गई है और फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था तो भी आप रिकवर फ्रॉम ब्रोकन फ़ोन पर क्लिक करके डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो अभी हम फ़ोन से ही डाटा रिकवर करके देखते हैं। तो जो चीज़ें आपने रिकवर करनी है उनको सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर डाटा रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस दौरान आपका फ़ोन 1 से 2 बार रिस्टार्ट होगा। और याद रखें, आपने अपना फ़ोन पीसी से अटैच किए रखना है, इसको डाटा केबल से अभी उतारना नहीं। तो यहाँ पर यह तकरीबन 3 से 4 मिनट ले सकता है। तो जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस में ये आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पर स्कैन करेगा और डाटा रिकवर करेगा। तो जैसे जैसे डाटा रिकवर होता जाएगा, लेफ्ट साइड पर यह सभी फाइल टाइप के साथ शो होता जाएगा कि कितने कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो और गैलरी में रिकवर हो चुका है। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है और ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में कितना डाटा डिलीट हुआ था। तो जब ये 100% स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप इन सभी पर क्लिक करके रिकवर शुदा डाटा देख सकते हैं, जैसा कि कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप अटैचमेंट्स, गैलरी, वीडियोस, ऑडियोस और डॉक्यूमेंट्स। तो आप जो कुछ सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। चलिए मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद रिकवर के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ से आप ब्राउज पर क्लिक करके फोल्डर को सिलेक्ट कर लें जहाँ पर आपने डाटा सेव करना है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसके बाद रिकवर पर क्लिक कर दें। तो जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया था उसमें ये तमाम डिलीट शुदा डाटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा रिकवर शुदा डाटा सेव हो चुका है।
जैसा कि गैलरी में तमाम फोटोज मौजूद हैं और वीडियोस और कॉन्टैक्ट्स भी यहां पर सेव हो चुके हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि इसको इस्तेमाल करना कितना ही आसान है। तो यह सॉफ्टवेयर तकरीबन $44 में अवेलेबल है, लेकिन आप इसका फ्री ट्रायल भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर वो आपका डाटा रिकवर कर दे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो इसका डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।